plus x. Oh, ini nanya 7 atau 9. 6 15 atau 17. 17 plus y. ठीक है, यानी अगर आप देखें, x minus 17 यानी 4, और y minus x 4 होना चाहिए आपका. ठीक है, y minus x आपका 4 होना चाहिए. अब मैं 8 से डिवाइड करता हूं, क्या x की जगह 1 रख सकता हूं? x की जगह मैं 5 से 56, 55 नहीं रखूंगा. आगे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 632. बिल्कुल, याद रखिए, x की जगह 3 रख सकते हैं. मैं x की जगह 3 बताऊं तो ये कितना आ गया? ये आ गया 7. 7 से 3 गया 4, 7 से 14 और 21 से 14 गया, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा. सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया. अभी थोड़े-थोड़े क्वेश्चन हैं. यदि ये बात से भाग हो रहा है, ठीक है, और x नॉट इक्वल टू y है, और x रूट x y के लिए आपको पता नहीं है, याद रखिएगा. 5 10 18 5 9 8 8 16 6 22 x plus y plus 4 divided by 9. ठीक है, ये आ गया मेरे सामने. अब x plus y की वैल्यू क्या हो? 5 हो या 14 हो. ठीक है, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 5 बन पाएगी? नहीं बन पाएगी. 2 से मैं सकता 3 से रखता हूं, 3 से 5 बन जाएगी. अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो ये 2 आएगा. ठीक है, और फिर 4 से मैं रखेंगे 5 से, नहीं बनेगी. 6 से मैं रख सकता 7 से बन जाएगी, और 7 रखूंगा तो ये भी 7 आ जाएगा. ठीक है, फिर देखता हूं, 8 से नहीं बनेगी, 9 से नहीं बनेगी. ठीक है, यानी दो पॉसिबिलिटी है, इंपॉसिबिलिटी में से एक बात बोली, x नॉट इक्वल टू y. x अगर y के बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन खारिज हो गई. ये वाली बची, रूट x वाली निकालूंगा तो 3 रूट 2 यानी रूट 6 आ जाएगा. रूट 6 ऑप्शन में नहीं है, 7 है. ठीक है, रूट 6 ऑप्शन में नहीं है तो रॉन्ग ऑप्शन होगा इसके बेसिकली. ये x नॉट इक्वल टू y नहीं लिखता तो मैं ये लिख सकता हूं 7 * 7 यानी 7 आंसर आएगा. आगे देखिए, यदि 44 से भाग हो गया, 44 से भाग का मतलब x + y + 1 और ये 8 हो गया. ठीक है, x + y 7 के बराबर हो गया. ठीक है, x + y के बराबर हो गया 7 के, तो 7 मेरा आंसर आ जाएगा. इससे अलग नहीं करूंगा. आगे देखिए, 88 से भाग हो गया 8 13 + x 13 + x 8 के बराबर है, x का मान बता रहा है. x का मान आपको बताना है 6 आ जाएगा आपका. ठीक है, x + 13 - 8 0 के बराबर हो गया 11 के बराबर. x + 5 11 के बराबर यानी 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू. आगे देखिए, ये वैल्यू x की 12 से भाग हो गया, 12 से भाग मतलब 3 से भाग हो गया 7 से हो गया, तो 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 के साथ यानी 2 x के लिए 2 लगाओ. 7 + y 5 9 = 7 10 x + y के लिए 8 होनी चाहिए. अगला देखिए, 11 से भाग हो जाए 7 3 10 8 18 6 9 15 3 तो 18 बन जाएगा, 0 आ जाएगा. अगला देखिए, 7 से भाग हो गया 9 से, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 3 आ गया. अगला देखिए, 88 से भाग हो गया 88 से भाग मतलब है ये 8 से भाग होना चाहिए. 8 से भागने के लिए अगर मैं 4 रखता हूं तो 8 से भाग हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा. कैलकुलेटर का मतलब 15 + x बराबर है किसके? 12 के. यानी x + 3 11 से भाग होना चाहिए, 8 आ जाएगा. 8 आपका आंसर आगे से ज्यादा नहीं करना. ठीक है, 7 से भाग हो गया 5 3 15 2 17 6 23 6 29 29 में क्या जोड़ें? 29 में 7 जोड़ दो, 36 हो जाएगा आंसर. 9 से भाग हो जाएगा, इसलिए 9 से भाग हुआ है 15 18 2 इसलिए 7 आ गया. अगला देखिए, यदि 99 से भाग हुआ है 9 से भाग हुआ 9 5 4 गया 8 11 14 इसलिए 4 रखो. Y
14 8 22 x plus 7 ठीक है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x आपको बताना है क्या बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x बताइए इधर क्या आएगी 9 और 5 14 8 22 और 5 और 7 x के लिए 4 रख दो ठीक है 11 हो जाएगा 22 में 11 जाएगा 11 बच जाएगा n को 7 से भाग करते हैं पूरे में आ रहा है ठीक है मान लेते हैं नंबर हो गया 9 तो 9 में 4 से भाग हो जाए 9 में 5 जोड़ने से 7 से भाग हो जाएगा काम खत्म हो गया आगे देखिए 5 की पावर 70 7 की पावर 70 74 से डिवाइड होती है तो क्या बचेगा हिसाब लिख सकते हैं 25 की पावर 35 हिसाब लिख सकते हैं 49 की पावर 35 x की पावर n प्लस 1 की पावर n डिवाइड बाय x प्लस n 74 से डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर 0 बच जाएगा 5 8 15 से भागने वाला छोटे छोटे नंबर 120 एलसीएम हो गया ठीक है तो
5 रिमाइंडर बचे 341 * और प्लस 5 इस तरीके नंबर चाहिए हमें ठीक है 341 * 2 तो नहीं हो सकता 3 हो सकता है 341 * 4 प्लस 5 ये हो गया आपका ये भी हो सकता है बिल्कुल अंदाजा लगाइए 341 * 5 प्लस 5 ये भी हो सकता है 17 प्लस कुछ इससे अगला नहीं हो सकता तो आप ध्यान से देखिए 3 नंबर आ रहा है 1 2 3 3 नंबर संभव है ऐसे ठीक है अगला क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन अभी तक सबसे यूनिक क्वेश्चन इसे कहा गया काफी सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन में तो 18 हो गया ये नंबर है
कौन सी डेट पे बता रहा था 1000 पे 8 आ गया 8 का मतलब ये ऑप्शन अगला देखिए 213 426 दो नंबर हो गया 213 213 के अंकों का योग क्या है 213 के अंकों का योग क्या है 6 हो गया 6 का मतलब डी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं एक के मतलब 4459 आगे देखो अब 4 से भाग हो गया 1 आ गया 4 से भाग हो गया 7 के बराबर 2 यानी 9 आ गया 4 से भाग हो गया 6 7 7 से हो गया 7 से हो गया 8 आ गया डी ऑप्शन आंसर हो गया सम ऑफ डी का 2 डी नंबर 17 नंबर अच्छा जी x + y इज इक्वल टू 1 - 7 ऑफ x + y ठीक है और x - y चाल रखा आपको बिल्कुल x - y चाल रखा सीखो नौ द्वारा